वेलकम टू फ्रेशटेक। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो टास्क बेस पे है, जिसमें हम लैब के थ्रू चीज़ों को देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, जैसे कि कैसे होस्ट नेम को कैसे चेंज करना है, पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करना है, टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पासवर्ड को कैसे इनक्रिप्ट करना है, डिवाइसेस पे यूज़र्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बैनर कैसे लगाना है, उसका यूज़ क्या है, क्लॉक कैसे सेट करना है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आप एकदम से फ्रेशर हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देख सकते हैं, आपके ऊपर है ये। लेकिन जो एकदम से फ्रेशर है, जिनको अभी तक इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आप ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल है, उनके बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो मेरे पास देखिए GNS3 है, मैंने ना सिर्फ इसमें एक राउटर रखा हुआ है 3745 का, ठीक है। उसमें मैंने अपने कंप्यूटर को ऐड किया हुआ है, जिस पे मैं बैठ के ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे ऐड करते हैं कंप्यूटर को, वो मैंने एक वीडियो इसमें पहले से अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं उसको रिफ़र कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे कि कैसे अपने कंप्यूटर को GNS3 के राउटर से ऐड करना, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर है जिसकी IP एड्रेस 10.0.0.1 है, ठीक है। मैंने 24 का मास्क यूज़ किया हुआ है। मैंने जो मेरा कंप्यूटर है वो राउटर के FA0/0 इंटरफेस से कनेक्टेड है, जिसको मैं ये IP दूंगा। अभी मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, सिर्फ राउटर को बूट किया हुआ है, ठीक है। राउटर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ये कॉन्सोल है, अगर कॉन्सोल कैसे लेते हैं, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके आप कॉन्सोल पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ मैंने ओपन इसलिए किया हुआ था कि मैंने सेटिंग कर रखी है ये चीज़ों को, आपको ना थोड़ा सा क्लियर व्यू मिले, थोड़ा सा बड़े फॉन्ट साइज़ में रहेगा तो देखने में आसानी होगी, ठीक है। ये हमारा वीडियो टास्क बेस पे है, जिसमें हम लैब के थ्रू चीज़ों को देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम मोड की बात करें तो ये हमारा प्रिविलेज मोड है, ठीक है, प्रिविलेज एग्जिट मोड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अगर राउटर का नाम चेंज करना, होस्ट नेम चेंज करना है, तो अगर हमें कुछ भी राउटर में चेंज करना है तो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप कमांड टाइप कीजिए config t, आप इंटर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नाम आप दे सकते हैं, पहले आपको कमांड लिखनी है जिससे वो नाम चेंज होगा, ठीक है। तो आपको कमांड देनी है होस्ट नेम, ठीक है। कमांड देखिए केस इनसेंसिटिव होते हैं, आप कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन आप जो नेम दे रहे हैं उसे वो जो लिखेंगे वही आएगा, ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूँ, ठीक है, लैब, ठीक है। अब देखिए उसका नाम चेंज होके R1 से लैब हो गया। दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज द होस्ट नेम ऑफ आवर राउटर, आवर डिवाइस। ये सिस्को की हर डिवाइस में ये कमांड काम करती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें होस्ट नेम चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कि इनेबल पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हमें कॉन्फ़िग मोड में जाना है, ठीक है। कॉन्फ़िग मोड में जाके हमें लिखना है इनेबल पासवर्ड। अब जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं, याद रखिए पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने सी कैपिटल लिखा हुआ है या कोई भी लेटर कैपिटल लिखा हुआ है, तो आपको जब पासवर्ड इंटर करने के टाइम आपको वो लेटर वो कैरेक्टर वैसे ही इंटर करना है जैसे आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ सिस्को, मैंने पासवर्ड सिस्को दिया हुआ है। तो दिस इज़ हाउ हम इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो है कि टेलनेट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो टेलनेट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। हमें कमांड देनी पड़ेगी लाइन VTY024, उसके बाद हमें अपना पासवर्ड सेट करना है। मैं पासवर्ड रखता हूँ सिस्को यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें लॉगिन की कमांड देनी है, ठीक है। इस तरह से हम अपना जो है टेलनेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने का यही तरीका है अपने राउटर पे। इस कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें ना उस इंटरफेस पे पहले जाना पड़ेगा। तो इंटरफेस पे जाने के लिए पहले हमें ना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम config t कमांड टाइप करेंगे, उसके बाद देखते हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो किस इंटरफेस से कनेक्टेड है राउटर के। तो राउटर के FA0/0 से हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो हमें पहले इंटरफेस FA0/0 पे
जाना पड़ेगा। अब हम इंटरफेस पे हैं, अब हमें आईपी एड्रेस देना है। तो हमें आईपी एड्रेस क्या देना है, देखिए मैंने लिख रखा है आईपी एड्रेस हमें क्या देना है, अब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो 10.0.0.100, उसके बाद उसका सबमिट मास्क देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ना एक कमांड देनी है, नो शट, ठीक है। जैसे ही कमांड देंगे, ठीक है, तो आपका ना आईपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, देखिए इधर मैसेज आ, इधर आपने कॉन्फ़िगर किया नो शट कमांड, उसके बाद ये अभी आपका स्टेटस आ गया अप, ठीक है। तो इस तरह हम राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हमने आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगर कर लिया है, अब हमें ये चेक करना है क्या हमारे राउटर से हमारे कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम यूजुअली पिंग का ही यूज़ करते हैं, पिंग 10.0.0.1 जो कि हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। तो जैसे एंटर करेंगे देखिए रिप्लाई आना चालू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राउटर और कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर है। चलिए देखते हैं कि हमारा सारा पासवर्ड जितने भी पासवर्ड हमने कॉन्फ़िगर किए हैं अब तक वो कैसे हैं। तो इसके लिए हम अब देंगे शो रन की कमांड, जिसमें आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन शो होगी। तो हम देखते हैं कि जो हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप टेलनेट कॉन्फ़िगर किया हुआ था उस पर पासवर्ड देखेंगे सिस्को आपको दिखेगा, ठीक है। अभी ये पासवर्ड आप देख रहे हैं सिस्को आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। ये वल्नरेबल है, ठीक है, इसको जो है कोई भी देख के पढ़ सकता है और बाद में इसका मिसयूज कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं क्या इसको हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो उसको इनक्रिप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको पास कमांड देनी है सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। जैसे ही आप ये कमांड देंगे आप ये फील्ड देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कमांड करता क्या है। जैसे आप इंटर करेंगे फिर आप कमांड देंगे डू शो रन, जैसे ही देंगे फिर आपको ना ये देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, और जो हमने पिछला जो हमने ये कमांड नहीं दी थी तब का अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में चीज़ें दिख रही हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये यूज़ है आपके जो है सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन का। सिस्को की डिवाइसेस पे यूज़र को क्रिएट करना बहुत इजी है, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई नया ज्वाइनी आता है, ठीक है, और आपने उसको फुल एक्सेस दे दिया डिवाइस का, तो होगा क्या होगा ये कि अगर आपके पास एक ही यूज़र है तो आपने उसको दे दिया, आप किसने किया किसी को पता नहीं। वो मान लीजिए वो कोई चेंज कर देता है सिस्टम में या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज कर देता है, तो कैसे पता लगेगा कि वो किसने किया है, वो चेंजेस किसने किया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना, हमें यूज़र डिफरेंट यूज़र बना के अपने जो है नेटवर्क इंजीनियर्स को जो नेटवर्क एडमिन है उनको अलग अलग नाम से यूज़र बना के देना होता है, ठीक है। इसका यूज़ सिक्योरिटी में है, ठीक है। हम यहाँ तक कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि एक यूज़र हम बनाएं यूज़र वन, जिस पे लिमिटेड एक कमांड दो कमांड तीन कमांड, जिसमें हम सिर्फ चाहते हैं कि शो के ही कमांड रन कर पाए, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम बाद में देखेंगे इसको। फिलहाल हम ये देखते हैं कि यूजर्स कैसे बनाते हैं सिस्को डिवाइसेस पे। तो इसके लिए आपको ग्लोबल मोड में जाना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपको कमांड देना है यूज़र नेम, ठीक है। ये केस इनसेंसिटिव है, लेकिन जो यूज़र नेम रहेगा, ठीक है, अब आपको देना है एडमिन, ये एडमिन रहेगा। उसके बाद आपको कमांड देना प्रिविलेज लेवल 15। प्रिविलेज लेवल 15 का मतलब फुल एक्सेस फुल कंट्रोल उसके पास रहेगा। फिर आपको पासवर्ड देना है, पासवर्ड जो भी आप रखना चाहिए, मैं सिस्को दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने पासवर्ड यहाँ भी सिस्को दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम देखेंगे जो हमने जो पिछले टास्क में देखा हुआ था कि सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन का, देखेंगे वो इनक्रिप्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। हमने एंटर किया, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये पासवर्ड, ठीक है, ये बहुत स्पेशल कमांड है, आपको ना ये कमांड बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको यूज़ करेंगे, ये बहुत यूज़फुल कमांड है। मैं अक्सर ट्रबल शूटिंग में ये कमांड यूज़ करता हूँ,
और ये आपकी समझिए लाइफ बना देगी। जो पहले के पैकेट ट्रेसर थे उसमें ये कमांड नहीं चलता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैकेट ट्रेसर है उसमें ये कमांड चलता है। तो आपको ना पासवर्ड लिखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए जो पासवर्ड के फील्ड है ना वो लिख के आ जाएगा, यूज़र नेम एडमिन है, एडमिन के साथ पासवर्ड। देखिए ये देखिए हमने हर जगह जो पासवर्ड है वो सिस्को दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो सब अलग अलग है। सिस्को को उसने कैसे इनक्रिप्ट किया हुआ है, ये बहुत बड़ी एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है ना सिस्को के डिवाइसेस पे यूजर्स क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर करना है डू शो रन, फिर आपको कमांड देनी है इंक्लूड यूजर नेम, ठीक है। तो जो यूजर नेम रहेगा वो लिख के आ जाएगा। ये बहुत यूजफुल कमांड है, ये बहुत इफेक्टिव कमांड है, इसका यूज आप ट्रबल शूटिंग में करते हैं।